गेट खोल दो। क्यों बुरखा? क्यों बुरखा अलाउ नहीं है? कौन से मैम, कहाँ लिखा है कि बुरखा अलाउ नहीं है? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे बैंक में, क्या बुरखा अलाउ नहीं है? कहाँ अलाउ नहीं है बुरखा? ये मतलब है बुरखा अलाउ नहीं है मैडम। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है मुझे आप बता दीजिए कि बुरखा अलाउ नहीं है? हमारे को जो गाइडलाइन मिलती है उसकी, तो कौन सी गाइडलाइन है मुझे आप गाइडलाइन दिखा दीजिए ना, कौन सी गाइडलाइन है कि कहाँ बुरखा अलाउ नहीं है मुझे ये बता दीजिए आप एक बार। लंच में कौन सा लॉक लगता है? आप लॉक करके बैठे हैं गेट को ताकि हाँ तो ठीक है, मुझे गाइडलाइन दिखाओ। आप कौन सी है? तो आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ तो मुझे जो अलाउ नहीं लिखा हुआ यहाँ अलाउ नहीं है वो वाली गाइडलाइन भी दिखाएं मेरे को आप कि बुरखा यहाँ अलाउ नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे सर से बात कर, मैं पूछूंगी सर कहाँ गाइडलाइन लिखी जहाँ बुरखा अलाउ नहीं है। हाँ ठीक है बताइए। मना किया है मेरे को गार्ड ने, आप इनसे पूछे मेरे को क्यों मना किया कि हमारे गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि है ना बुरखा अलाउ नहीं है। एक मिनट आप ये बंद करेंगे? नहीं मैं बंद नहीं करूंगा, पहले मुझे बताएं। नहीं क्यों तो बंद क्यों आप जवाब नहीं कर सकते? आप बैंक में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते? तो फिर हमें बैंक में बुरखे में अलाउ क्यों नहीं है? अरे आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? तो नहीं तो आप मुझे बताएं ना, तो इसमें रिकॉर्डिंग में क्या है आप बता दीजिए मुझे कि बुरखा कहाँ अलाउ नहीं है। देखो मैडम ये रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप बैंक। कैसे नहीं कर सकते? तो आप भी बुरखे में मना नहीं कर सकते? मना नहीं कर रहे किसी को, मना ही किया, पूछे ही ना इन्होंने कहा लंच के टाइम के लिए मना किया। लंच में अच्छा लंच के अंदर बुरखे में अलाउ नहीं है? नहीं किसी को अलाउ नहीं है, मैं ये नहीं कर। अंदर बैठे थे मैंने देखा था, मुझे बाहर जाते ही लॉक हुआ है। आप बैठे थे ना? हाँ खाना खा रहे थे जी। तो खाना खा रहे थे आप बैठे थे, आपको मना किया था? फिर मैं बाहर जाते लॉक कैसे हुआ? नहीं ना लॉक नहीं, लॉन्च इसलिए कर रहे थे हम खाना खाने बैठे थे। लॉक मैं बाहर गई तब हुआ है। आपसे लॉक से मतलब नहीं है? अंदर भी बैठे थे लोग। बैठे थे ना? हाँ तो उससे मतलब मैं बाहर गई तब लॉक। अरे आपसे बात जाने का मतलब नहीं है, मेरे को बाहर जाते ही लॉक हुआ है। नहीं, नहीं, आप ऐसे कौन से बैंक में लंच के अंदर लॉक नहीं होता? बैंक कौन से बैंक में होता है ऐसा लॉक अंदर से? जो कस्टमर आता है आके बैठता है वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठता है वो आगे बैठता है। मैडम जब खाना खा रहे होते हैं तो इसलिए बंद कर देते हैं कि कोई किसी भी बैंक। मैं बाहर गई तभी लॉक हुआ है ये। आपका मतलब नहीं था, आपका ये था कि आपका काम हो गया आप चले गए? मेरा काम नहीं हुआ था, उन्होंने बोला कि आप वेट करें, उन्होंने बोला आप वेट करें। आप क्यों कई बार बैठे थे? मैं मेरे साथ में बुलाने गई थी किसी को, मैं किसी भी काम से जाऊँ तो आप बंद कर देंगे लॉक कर देंगे आप? हमें पता नहीं है आप किस काम से गई थी, आप बैठे थे हमने लंच में। पहली बात लंच में बैंक लॉक नहीं होता है इतना तो मुझे भी पता है, इसलिए लॉक होता है कि सब कस्टमर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद अगर मान लो चलो आप ठीक है, कोई भी अनवांछित कस्टमर आ गया है, कोई आ गया किसी भी तरह का कोई आ गया, हम खाना खा रहे हैं, कोई भी कुछ लूट बांट चले जाए, कौन जिम्मेदार? अच्छा ऐसा तो कोई भी नहीं है, आधे आधे कस्टमर अंदर बैठेंगे और आधे बाहर रहेंगे। मैडम एक तो ये कस्टमर ये बंद करो, ये अलाउ नहीं है। आप नहीं मैं बंद नहीं करूंगी इसको। एक चीज और, आप ऐसे क्यों अपने ऊपर ले रहे हो कि आप ही जाते लोग हो? ठीक है उनको लगा होगा आपका काम हो गया या आप बाहर जा रहे हो, इसलिए किसको लगा? गार्ड सर को 2:30 के बाद अब वो अपने आप ओपन कर देते, इसलिए लोग अपने ऊपर मत लो कि मेरा तो आने के बाद ही बंद हुआ है। हाँ वो इसलिए हुआ कि आप मतलब आप जा रहे हो इसलिए मैं लॉक कर देता हूँ। तो और भी अंदर और भी कस्टमर बैठे थे, फिर उनको नहीं पता कि निकाल जाएंगे गेट बंद। अरे तो वो अपना काम करवा के जाएंगे ना, तो उससे पहले तो लॉक खुला हुआ ही था, मेरे को जाते कैसे बंद हो गया? तो अपने ऊपर क्यों ले रहे हो कि आपको उससे पहले भी लंच चल रहा था? मैडम मैं बता रही हूं वो पहले से बैठे थे कस्टमर, मैं भी आई थी। हाँ आपने कुछ नहीं बोला, मतलब लॉक नहीं था, मेरे को जाते ही लॉक हो गया गेट। अरे वो मैं से पहले चले गए थे अंदर, इसलिए नहीं किया था उस टाइम। लॉक इसलिए खुला हुआ था क्योंकि सर बाहर गए थे अपने ऊपर ऐसे, मतलब कि आप दो कस्टमर और बुरखा क्यों नहीं अलावा बैंक के अंदर? ऐसे नहीं अलावा होता है, बस ऐसे मना नहीं करते कि आगे बैंक में आप मुझे दिखाने को तो कहेंगे एंट्री नहीं। मेरे पहले मेरी बात सुनो जी, बोलिए। सपोज अगर आप कैश विड्रॉल के लिए किसी काम के लिए आ रहे हो, ठीक है मैं मानती हूँ उनकी गलती है, वो जेंट्स नहीं बोल सकते जी। लेकिन अगर आपको मेरे को आपको वेरीफाई करना है इन पर्सन कि आप हो या नहीं हो, तो मैं आपको बोल सकती हूँ। आप मुझे वहाँ अंदर काउंटर पे आने के बाद बोल सकती है? आप मुझे गेट पे उतार के आया आप अंदर, वो मैं बोलती हूँ कि उनकी गलती है, इसके लिए सॉरी बोले। कैसे बोला? उन्होंने क्या बोला कि गाइडलाइन में ही नहीं है अंदर बुरखा
पहनते हैं। मैं उनकी तरफ से आपको सॉरी बोल रही हूँ, बस भाई गलती हो गई कि वो जेंट्स होते उन्होंने बोल दिया, बट अगर जेंट्स होने की बात नहीं है, बात उन्होंने बोला कि आप पर्सन अगर आए इन पर्सन अगर आपको मुझे वेरीफाई करना है तो मैं आपको बोलूंगी आप मुझे वेरीफाई करते हैं, काउंटर पे आके बोलते हैं कि हमें आपका फेस बोल रहे हैं, हां वो गलती हो, मैं वहां दिखाती हूं आपको, लेकिन आप आगे मैं सॉरी बोल रही हूं, अब इस चीज को इतना वो मत कीजिए आप।